हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 8, जामुन का पेड़ ऑफ 11th क्लास हिंदी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 8, जामुन का पेड़ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यह संवाद सेक्रेटरी एट के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आया है। उपयुक्त संवाद तब कहा गया है जब सेक्रेटरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा। ठीक है, यह जब सेक्रेटरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो क्लर्क को बताया और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक है, जब सुबह होने पर माली ने देखा उसे तो क्लर्क को बताया और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। वे लोग जामुनों की बात कर रहे थे जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी बल्कि वे तो उस पेड़ के जामुनों का गुणगान कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है, इसका आंसर देखेंगे। उपयुक्त संवाद से हमें लोगों की संवेदन शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, लोगों की संवेदन शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती। उल्टे वे उस पेड़ के लगे जामुनों को याद कर शोक प्रकट करते हैं। ठीक है, उल्टे वे लोग लगे जामुनों को याद कर शोक प्रकट करते हैं जिससे पता चलता है कि लोग कितने स्वार्थी और संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दबा हुआ आदमी एक कवि है यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जब माली ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को उसके केस के संबंध में यह उम्मीद जगाई कि कल उसका केस सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग में रखा जाएगा, उस समय दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है। ठीक है, उस समय दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है जिससे माली जान जाता है कि वह कोई कवि है और फिर माली द्वारा अन्य लोगों को भी खबर हो जाती है। ठीक है, इस खबर के पता चलते ही उस व्यक्ति का केस कल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। परंतु काम वहाँ भी नहीं होता बल्कि केवल कागजी कार्रवाई होती रहती है और उसकी फाइल कई विभागों में घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क बताया। ठीक है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क बताया, इसका आंसर देखेंगे। कृषि विभाग वालों ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से जुड़ी मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है।
कृषि विभाग को अन्य अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। क्योंकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर हॉर्टिकल्चर विभाग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है, इस पाठ में सरकार के किन किन भागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है, जैसे व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चरल विभाग, फॉरेस्ट विभाग, विदेश विभाग और साहित्य अकादमी। ठीक है, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चरल विभाग, फॉरेस्ट विभाग, विदेश विभाग और साहित्य अकादमी। पाठ से उनके कार्यों के बारे में यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर एक विभाग का कार्य गैर जिम्मेदार रहना है, हर एक विभाग का कार्य गैर जिम्मेदार ना हो है, कोई भी विभाग काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, कोई भी विभाग काम करना नहीं चाहता है और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपना चाहता है। वे स्वयं भी काम नहीं करते बल्कि दूसरे विभाग की भी आलोचना करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबंध होते हैं। ठीक है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे आदमी को निकालने के लिए कटिबंध होते हैं, क्या ऐसा कब कब होता है? ठीक है, ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पहला प्रसंग देखेंगे। पहली बार सेक्रेटरी एड विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं। पहली बार सेक्रेटरी एड विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं, पर उन्हें ऐसा करने से सुपरिटेंडेंट यह कहकर रोक देता है। कि वह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत होने के कारण वह इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भेज रहा है। ठीक है, दूसरा प्रसंग देखेंगे। दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं, परंतु उन्हें भी यह कहकर रोक दिया जाता है कि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। ठीक है, वह यह कहकर रोक दिया जाता है कि यह पेड़ पिटोरिया राज्य के नागरिक ने लगाया था। यदि वे इस पेड़ को काट देंगे तो हम दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं और साथ ही पिटोरिया राज्य से मिलने वाली सहायता से भी हम वंचित हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतधारा है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यह कहना बिल्कुल युक्तिसंगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतधारा है। कहानी का आरंभ और अंत भी करुणाजनक है। ठीक है, कहानी का आरंभ और अंत भी करुणाजनक है। वास्तव में प्रत्येक विभाग क्लर्क अधिकारियों के हास्य के साथ करुणा और भी गहराती गई है। लोगों का जामुन के फलों के स्वाद को याद करना मनचले युवकों द्वारा उस व्यक्ति को ही आधे भाग में कटवाकर
प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो हास्य के साथ करुणा को अपने चरम पर ले जाती है। ठीक है, केवल माली ही पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है। केवल माली ही ऐसा व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है। दृश्य तब और करुण हो उठता है जब जामुन के नीचे दबा व्यक्ति मर जाता है और उसके मुंह में चींटियां जाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यदि मैं माली की जगह होता तो कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार न करता। यदि मैं माली की जगह पर होता तो मैं कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार न करता। मैं अपनी ओर से सेक्रेटरिएट विभाग के लोगों को इकट्ठा करता, उन्हें प्रेरित कर पेड़ हटवाता। यदि वे सरकारी डर से आगे आने के लिए तैयार न होते तो उन्हें समझाता। यदि वो सरकारी डर से आगे नहीं आने के लिए तैयार होते तो मैं उन्हें समझाता कि पेड़ काटना अपराध माना जाता है। गिरे पेड़ को हटाना नहीं, अतः पेड़ को हटाए जाने पर हम पर कोई अनुशासनीयता कार्यवाही नहीं होगी, और इस तरह से मैं उस आदमी को बचा लेता। ठीक है,